नमस्कार, न्यूज 18 के क्रॉस सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दाऊद अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आप ये सुनकर जरूर हैरान रह गए होंगे। वो दाऊद जो कि लव जिहाद और कत्ल के आरोप में वांटेड चल रहा था, यशरी का कातिल दाऊद अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल खुलासा ये हुआ है कि दाऊद ने पॉक्सो एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए यशरी का कत्ल करवाया है। अब दाऊद पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद उसे पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की मुख्य वजह यही थी या दाऊद का मकसद कुछ और था, देखिए इस रिपोर्ट में। शिकंजे में आया बेरहम हत्यारा, यशी का कातिल कर्नाटक से गिरफ्तार। गुलबर्गा से हुई दरिंदे दाऊद की गिरफ्तारी, जिसने बदले के लिए एक घर की बेटी को मार डाला, जिसने बदले के लिए इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर डाले, वही दरिंदा दाऊद शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई पुलिस ने यशरी के गुनहगार आरोपी दाऊद शेख को 523 किलोमीटर दूर कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया है। पिछले तीन दिन से पुलिस आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के लिए चप्पे चप्पे को तलाश रही थी और आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई तो अपने गुनाहों से भागता फिर रहा दाऊद गुलबर्गा में गिरफ्तार कर दिया गया। इस बीच यशरी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को सुबह 11 बजे यशरी अपने घर से दोस्त को मिलने के लिए निकली थी। दोपहर करीब 2 बजे अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद यशरी को 2:14 पर उसी रास्ते पर स्पॉट किया गया जहां यशरी की बॉडी बरामद हुई थी। सीसीटीवी वीडियो में यशरी किसी से मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दी। इसके ठीक 8 मिनट बाद दाऊद शेख को भी उसी जगह पर स्पॉट किया गया। दरअसल यशरी का शव 27 जुलाई को झाड़ियों से बरामद हुआ था। उसके चेहरे को कुचला गया था, उसके शरीर पर भी चोट के निशान थे, जिसके बाद कपड़ों और टैटू से यशरी को पहचाना गया था। पुलिस जब मामले की तफ्तीश में जुटी और दाऊद शेख की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि साल 2019 में दाऊद शेख पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और ये एफआईआर यशरी शिंदे की तरफ से ही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बदला लेने के मकसद से दाऊद शेख ने एक लंबी साजिश रची। 24 जुलाई को आरोपी दाऊद ने यशरी को मिलने के लिए भी बुलाया था। यशरी की कॉल डिटेल से ये बात पता चली कि दाऊद यशरी से घंटों बात करता था। ये टॉर्चर का मामला है, हैरेसमेंट का मामला है, उसके ऊपर हमने 2019 में पॉक्सो एक्ट रजिस्टर किया था। 2019 में मेरी बच्ची की उम्र 15 साल 5 महीने के आसपास सर जी रहेगी, तभी उसके ऊपर हमने पॉक्सो रजिस्टर किया था। ये देखिए सर जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जल्द से जल्द फैसला। और यानी दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद लव जिहाद और मर्डर की इस दिल दहला देने वाली वारदात की अब पूरी कहानी सामने आने वाली है।